हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित राज। वेलकम टू द YouTube चैनल स्टडी एक्स आईआईटी जेईई। फर्स्ट लेक्चर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखे थे, ठीक है ना। उसमें अपन एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों को कब अप्लाई करना है, मैंने की फ्रेज भी बताया था ना कि एडिशन रूल का की फ्रेज होता है या मल्टीप्लिकेशन रूल का की फ्रेज होता है और, ठीक है, या फिर उसके बाद, ठीक है ना। और हिंदी वाला है, इंग्लिश का एंड, करेक्ट, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, इसके बेसिस पे डिजिट वाले क्वेश्चन भी, वर्ड्स वाले भी क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, प्लेसिंग बुक्स ऑन अ पार्टीशन। आपके पास चार बुक्स हैं, ठीक है, जिन किताबों से आप फैमिलियर हैं, वही सब एग्जांपल लिए हैं, एचसी वर्मा, इरोडोव, एसलोनी, जेडीली, ठीक है। दो फिजिक्स का, एक मैथमेटिक्स का, एक केमिस्ट्री का बुक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो केसेज हो सकते हैं, तो पार्टीशन या कहें रैक, ठीक है। तो आपके पास या तो जगह चार ही हो, एक केस या ये हो गया। दूसरा केस हो गया कि बुक रखने के लिए जगह चार से ज्यादा हो, तो हम केस ले लेंगे कि पांच पार्टीशन वाला। अब जगह कम तो हो नहीं सकता, तीन जगह में चार बुक भरना है, वो आप कैसे भर पाओगे, एक तो बाहर रह जाएगा ना। खैर, उस केस को भी हम देखेंगे। अब देखते हैं केस वन, इक्वल पार्टीशन, ठीक है, इक्वल पार्टीशन फॉर प्लेसिंग ऑफ बुक्स। ओके, चार किताब है और चार आपके पास पार्टीशन है, चार रैक है जिसपे आपको बुक रखना है, जमाना है, ठीक है, अरेंज करना है बुक को। देखिए जी, ये फर्स्ट प्लेस है, इसपे कितने बुक आप रख सकते हो, चार में से कोई भी एक रख लो, ठीक है। चारों बुक्स की अवेलेबिलिटी, चारों बुक्स की अवेलेबिलिटी है कि कोई भी यहां पर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे चार तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद की फ्रेज नोट कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही इस प्लेस पे आ रहा है, तो इस प्लेस पे आप कोई एक, ठीक है, वो एससी वर्मा हो, इरोडो हो, या कोई भी हो, कोई एक बुक तो इस पे जमा दिए हैं अपन, तो अब तीन ही बुक हमारे पास होगा, उन्हीं में से कोई एक बुक हम रख सकते हैं इस पोजिशन पे। तो तीन तरीके से, ठीक है, तीन में से कोई भी, अवेलेबिलिटी कितना है तीन, तो इंटू तीन, ठीक है। अब दो बुक बचे, ठीक है, तो इस पोजीशन पे या कहें इस रैक पे हम कितने तरीके से बुक रख सकते हैं। तो जो भी दो बचा, या तो पहले दो बुक मान लो, ठीक है, हम बस एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो एसएलोनी और जेडीली ही बचा, कोई भी दो बच सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं इस केस के लिए कि एसएलोनी या जेडीली बचा। तो या तो हम एसएलोनी रख सकते हैं या फिर जेडीली रख सकते हैं, तो दो तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। और बार बार की फ्रेज क्या आ रहा है, और या फिर कहें उसके बाद, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल, तो मल्टीप्लाई। अब ये लास्ट खाने के लिए तो एक ही बुक रख लिया है, तो अब तो मजबूरी है अपन उसी बुक को रखना है, ठीक है। तो एक ही हमारे पास, एक ही तरीका है, ठीक है। तो हमने जमा दिया चार बुक, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। एक अरेंजमेंट अपन ले लेते हैं कि सपोज इस पे इरोडोव आ गया होगा, इस पे एचसी वर्मा आ गया होगा, इस पे जेडीली आ गया होगा, और इस पे एसएलोनी आ गया होगा। तो टोटल एक्चुअली चार या 12 × 24, ठीक है, टोटल 24 केसेस आ सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक केस, ये एक इलस्ट्रेशन है, कोई एक केस हमने एग्जांपल शो कर रखा है, ठीक है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे केसेज हो सकते हैं चार बुक्स रखने का, बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, उसमें से एक अरेंजमेंट हमने शो करा है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, ओके। तो ये पहला पार्टीशन का, ठीक है, तो इसपे हम कितने तरीके से बुक रख सकते हैं। हमारे पास चार बुक है, चार में से कोई भी एक रख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने दिखाने के लिए रोडो रखा है, लेकिन हम कोई भी बुक रख सकते हैं। तो हमने कोई भी बुक रखा, कितने तरीके से, चार तरीके से, ठीक है। हमें बताने थे टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज फोर बुक्स इन फोर पार्टीशंस, ठीक है। तो हमने क्या करा, चार तरीके से इसमें डाल दिया। अब कोई भी एक बुक चला गया होगा इस रैक में, तो बचा होगा तीन ही बुक, चाहे वो जो भी तीन हो, लेकिन होगा तो तीन नंबर, यहां पे तीन तरीके से दूसरे प्लेस पे आ जाएगा, फिर उसी तरह से दो तरीके से दूसरे प्लेस पे, और लास्ट प्लेस पे एक ही तरीका, एक ही बुक बचेगा, एक ही तरीका, ठीक है। इसको सोचने का एक रिवर्स मेथड भी है हमारे पास, हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। हम इस तरह से सोच सकते हैं कि एचसी वर्मा किताब है ना, इसको चार रैक है, ये कहीं भी जा सकता है, तो इसके पास टोटल चार ऑप्शन बच गए, ठीक है। इसके पास टोटल चार ऑप्शन है, ठीक है, ये चार ऑप्शन में कहीं भी जा सकता है। तो ये मानो चला गया किसी भी रैक पे, चला गया एक बार एचसी वर्मा बुक, ठीक है। अब तीन ही रैक खाली होंगे, देयर विल बी थ्री वैकेंट रैक्स। तो अब इरोडो के पास तीन ही तरीके हैं, ठीक है, तीन ही तरीके से वो प्लेस हो सकता है, तो जो तीन बच जाता है, ठीक है,
फिर से एक ले लेते हैं। तो मान लेते हैं एचसी वर्मा यहां आ गया, हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि यहां एचसी भी आ गया, एक्चुअली वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन मान लेते हैं यहां आ गया। तो आप इरोडोव के पास तीन ही वेकेंट प्लेसेस हैं, तो इन्हीं में कहीं वो आ सकता है। तो मान लेते हैं इरोडोव को ये वाला सीट पसंद आया, ठीक है। तो इरोडोव के पास तीन तरीके थे, यानी क्या, तीन पार्टीशन थे, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि की फ्रेज आ रहा है और। ओके, अब एसएलओनी के पास दो जगह बचा, तो दो तरीके से फिट इन हो सकता है, ठीक है। वो मानो यहां आ गया एसएलओनी, ठीक है। अब जो जेडी ली बचा लास्ट में, उसके पास तो एक ही जगह बचा ना, तो वो एक ही तरीका से फिट इन हो सकता है पार्टीशन में, तो उसका तो मजबूरी है यही आना ही है उसे, ठीक है। उसके पास तो एक ही तरीका है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू प्लेस फोर बुक्स इन फोर पार्टीशंस इज इक्वल टू 24। 24 तरीके से हम रख सकते हैं। अगर ये तीन बुक तीन रैक्स वाला केस जो होता, तो वो तो आपको मैं दिखा भी देता, टोटल छह के साथ में, ठीक है, वो तो मैं आपको बिल्कुल दिखा भी देता। कर लें क्या इलस्ट्रेशन, सपोज तीन ही बुक है और तीन ही पार्टीशन है, ठीक है, तीन बुक्स तीन पार्टीशंस, ठीक है। तो पहला बुक के पास तीन अपॉर्चुनिटी है, तो कहीं भी जा सकता है, तो हम पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो तीन पहले किताब के पास, दूसरे किताब के पास दो प्लेस बचेगा, और तीसरे के पास एक, तो ये सिक्स वेज हो जाएगा। तो अब बताओ रैक में ये छह तरीके कौन कौन से हैं, क्या हमने गलत तो नहीं करा। तो देख लो, तीन बुक संभाल लेते हैं, एचसी वर्मा, इरोडोव और एसएलओनी। तो एक तो तरीका है कि एचसी वर्मा पहले जगह पे आए, ठीक है, फिर इरोडोव आ जाए और फिर एसएलओनी आ जाए, ठीक है। फिर दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है कि पहले प्लेस पे एचसी वर्मा ही रहे, दूसरे प्लेस पे एसएलओनी आ जाए और तीसरे जगह पे इरोडोव, ठीक है। फिर आप दूसरा केस लेते हैं, इस बार इरोडोव को पहले स्थान पे डाल देते हैं, इरोडोव आ गया पहले जगह पे, ठीक है, पहले पार्टीशन पे, दूसरे पार्टीशन पे एचसी वर्मा और तीसरे पार्टीशन पे एसएलओनी। फिर इसी में एक और केस हो सकता है कि इरोडोव पहले प्लेस पे रहे, दूसरे प्लेस पे एसएलओनी आ जाए और तीसरे प्लेस पे एचसी वर्मा। तो पहले प्लेस पे कौन कौन आ गया, एचसी वर्मा आ गया पहले प्लेस पे, इरोडोव भी आ गया पहले प्लेस पे। अब एसएलओनी को हमने नहीं रखा है पहले पार्टीशन पे, तो एसएलओनी आ जाए पहले प्लेस पे, इरोडोव दूसरे प्लेस पे और एचसी वर्मा तीसरे। एक और केस आ सकता है, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 2 3 4 5 6, क्या हमारा कोई भी केस बचा है। देखिए इरोडोव जो था, इरोडोव यहां पे सेकंड पोजीशन भी अप्लाई कर, सेकंड पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर रहा है, लास्ट पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। फिर एचसी वर्मा भी देखो फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सेकंड प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, थर्ड प्लेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या देखिए कोई केस रिपीट हो रहा है क्या, सारे अलग अलग केसेज हैं कि नहीं, ठीक है। तीन बुक्स तीन पार्टीशन था, तो ये हमें इजीली दिख रहा है, ठीक है। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से फोर बुक्स फोर पार्टीशन का भी समझा दिया है आपको, देख लो। ये अगर समझ में आ गया तो आज के सारे क्वेश्चन आप यूं ही निपटा दोगे, ठीक है। ओके, हमने ये केस वन डिस्कस करा, इक्वल पार्टीशन फॉर प्लेसिंग ऑफ इक्वल बुक्स, ठीक है। फोर बुक्स थे फोर पार्टीशन, थ्री बुक्स थ्री पार्टीशन। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे ना कि नंबर ऑफ पार्टीशन ग्रेटर है, जैसे मानो पांच पार्टीशन है और बुक हमारे पास चार ही है, ठीक है, तो एक तो कोई खाली बच रहा हो, ठीक है। तो ये सेम रूल अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसको मैंने दो केसेस से एक बार समझाया है कि एक बार तो समझाया कि इस जगह के लिए चार बुक्स है, करेक्ट। फिर दूसरे बार दूसरे तरीके से मैंने समझाया कि ये एचसी वर्मा बुक था, तो ये बुक के पास चार ऑप्शन है, एक बार था कि ये पार्टीशन के पास चार ऑप्शन है और एक बार कि ये बुक के पास चार ऑप्शन है, दो तरीके से गए हम। लेकिन वहां पे अगर हम इनमें से एक तरीका वहां पे वैलिड होगा, एक तरीका इनवैलिड होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करो और सोचो क्यों एक तरीका सही है हमारा, ये वाला तरीका वहां पे सही जमेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका वहां पे सही नहीं आएगा, इससे कुछ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या होगा, चलिए पहले इसको आप नोट कर ही लो, ओके, उसके बाद समझाता हूं मैं इसको, पहले आप नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है ना।
ओके केस टू, इस बार पांच पार्टीशन है हमारे पास और बुक्स चार है, इनको प्लेस करना है यहाँ पे। तो देखो सही तरीका ही पहले बताते हैं, फिर गलत तरीका आपको बताऊंगा कि वो क्यों गलत है। तो सही तरीका यहाँ पे ये है कि हम बुक से जाएंगे। ये जो एच सी वर्मा बुक है इसके पास कितने प्लेसेज हैं, वेकेंट प्लेसेज कितने हैं, पांच। वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके पास तरीके हैं प्लेस होने के पांच, ठीक है। कोई भी सीट वो ऑक्यूपाई कर लिया, मानो ये पसंद आ गया, एच सी वर्मा यहां आ गया, ठीक है। अब इरोडोव के पास कितने केसेज बचे, कोई चार, इसमें से कहीं भी वो जाके बैठ सकता है, ठीक है। चलो इरोडोव को आपने यहां जमा दिया। अब एसएल लोनी के पास, अच्छा पहले इरोडोव के पास कितने केसेस थे, चार, और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कीफ्रेज आ रहा है और, या फिर क्या है उसके पास। अब एसएल लोनी के पास टोटल तीन वैकेंट प्लेसेस है, वो कहीं भी जाके बैठ सकता है, कहीं उसको हम जमा सकते हैं वहां पे। बैठना थोड़ा सा रॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो तीन में से कहीं भी आ गया हमारा एसएल लोनी, ठीक है, यहां गया एसएल लोनी। अब जब जेडी ली आएगा तो जेडी ली के पास दो वैकेंट प्लेसेस बच रहे होंगे, ठीक है, कहीं भी जम सकता है ये। तो यहां आ गया जेडी ली, तो एक वैकेंट प्लेस वो कोई भी होगा, वो खुद ब खुद बच जाएगा, ठीक है। इस केस में आपको कोई भी गड़बड़ लगा के बताओ, कहीं भी कोई आपको लग रहा हो कि हमने मिसमैच करा, ठीक है, सब कुछ सही है और ये करेक्ट मेथड है। लेकिन वही आप जो दूसरे तरीके से जाते तो यहां पर आंसर कुछ और आ जाता जो कि गलत होता, वो पहले ही गड़बड़ दिख जाएगा आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 वेज। तो 120 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू अरेंज फोर बुक्स ऑन फाइव पार्टीशंस, ठीक है, क्लियर। अब देखो दूसरा तरीका क्या था कि आप ऐसे जाते कि ये जो फर्स्ट प्लेस है इसके पास चार ऑप्शन है, ठीक है, चार ऑप्शन है, कोई भी बुक आ सकता है। अब इसके पास तीन ऑप्शन आया, ठीक है, करेक्ट, दो बुक हमने प्लेस कर दिया, दो बुक बचा, तो इसके पास दो ऑप्शन बचा, ठीक है। फिर आपने बोला इसके पास एक ही ऑप्शन, चूंकि जेडी ली है तो एक ही ऑप्शन बचा। तो ये जो फिफ्थ पार्टीशन है, जो लास्ट वाला पार्टीशन है, ये तो हमेशा खाली रह जा रहा है, ठीक है। फिर या तो आप ये सिलेक्ट करो, टोटल पांच में से कोई भी एक पार्टीशन खाली हम पहले ही कर देंगे, कि पांच में से कोई एक पार्टीशन हम पहले ही बोल देंगे कि खाली हो सकता है। तो टोटल पांच केसेज हो सकते हैं कोई भी, या तो ये खाली हो जाए, ये खाली हो जाए, ये खाली हो जाए, तो पहले ही आप एक को रूल आउट कर दो, तो फाइव से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये गड़बड़ हो जा रहा है, अभी तो बार बार ये लास्ट वाला ही वैकेंट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस केसेज में क्या था, अपने आप कोई एक वैकेंट हो जा रहा था, ठीक है, जो मन में आया वो एक लास्ट में वेकेंट पूरा था, उसमें अपने आप ज्यादा भी दिमाग खर्च नहीं करना था। लेकिन यहां पे अगर आपको इस तरीके से सोचना है तो आप पहले ही आइडेंटिफाई करो, ठीक है, चार बुक्स है, पांच पार्टीशन, एक एक्स्ट्रा पार्टीशन है, तो पहले ही कोई एक पार्टीशन खाली रहेगा तो उसको पहले ही अलग कर लेते हैं, तो फाइव, और उसके बाद तो इंटू कर फाइव से, क्योंकि पांच तरीके हैं, ठीक है, हमारे पास किसी एक पार्टीशन को खाली रखने के हमारे पास पांच तरीके हैं, तो फाइव इंटू, अब जो चार पार्टीशन बचा उसमें अरेंज कर दो चार बुक्स, क्लियर। तो यहां से भी 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये दूसरे तरीके में हमें थोड़ा सा अलग से सोचना था, पहले तरीके में आराम से आंसर आ जा रहे, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं खर्च करना है, क्लियर। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको ढेर सारे, तो आज का लेक्चर अगर आप संभाल लेते हो तो मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी, इतने से ही, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आईटीजे के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और ये जो प्लेसिंग बुक्स ऑन पार्टीशन, इसके दो केसेस बताए, यही सब केसेस पे क्वेश्चंस रहेंगे, क्लियर है। बहुत सिंपल स्टार्ट करूंगा, सिंपल क्वेश्चन से ही, ये नोट कर लो, केस नंबर टू नोट कर लो। ओके, ये तीनों क्वेश्चन है, पहले दो क्वेश्चन तो काफी आसान है, ओके, और तीसरा ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, तो ये भी सॉल्व करो।
ये देखो हमने कितना कम कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी पे आईडी जेमी क्वेश्चन है। खैर ये काफी पुराना क्वेश्चन है, अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब अगर इतने कम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो किसी और चैप्टर से लिंक्ड होगा, ठीक है? मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थोड़ा सा लिंक्ड है, तो वैसे क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो जो है वो हमने अभी कर रखा है, 5 लेटर्स और बनाना है उससे 4 लेटर वर्ड, ठीक है? आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है? लेकिन आपको यूज क्या करना है, ROHIT, ROHIT, ठीक है? आपको रोहित के लेटर्स यूज करने और 4 जगह पे भरने हैं। तो ये कितने लेटर हैं, 5, तो 5 लेटर को 4 जगह भरना है, ठीक है? विदाउट रिपीटिंग इन एनी अल्फाबेट, यानी आर 2 जगह नहीं आ सकते, आर 1 ही जगह आ सकते, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा, इस बार क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टीशंस कम हो गए। तो तीसरा कैसे, इसीलिए हमने नहीं डिस्कस करा कि वो क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो कम है, अगर पार्टीशन कम है तो हम पार्टीशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, अगर पार्टीशन ज्यादा है तो हम लेटर्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है? और अगर दोनों इक्वल है तो किसी के भी हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है? तो इस बार चूंकि कम क्या है, प्लेसेज हमारे पास, तो हम प्लेसेज के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, 5 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है? ठीक है, उसके यहां पे कोई भी 4 आ सकता है क्योंकि एक यहां पे आ गया होगा, तो into 4, ठीक है? फिर अब हमारे पास 3 बज रहा होगा, 3 में से कोई इस प्लेस पे आ सकता है, ठीक है? अब 2 बज गया होगा, कोई भी 2 बज सकता है, ठीक है? उसमें से कोई भी 2 अब यहां पे फिल हो जाएगा, तो ये टोटल 120 वेज। क्लियर है आपको? ओके, क्लियर है ना? तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप उस टाइम स्टैम्प डाल देना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल देना और बोल देना कि यहां पे ये डाउट था, मैं जरूर इससे जरूर आपको समझा दूंगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, जितने लोग भी देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? इसे क्या है कि हम थोड़े से इंकरेज रहते हैं तो और अच्छे कंटेंट लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अब ये जो केस आ गया ना वो रिपीटेशन अलाउड का केस है, ठीक है? वैसे तो इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड लिखना नहीं था, ठीक है? तो हमने बस एक समझाया कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड का केस अगर रहे तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आपको जब नंबर दे दिया जा रहा है, आपको सपोज बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यूजिंग डिजिट्स 5, 6 एंड 7, ठीक है? तो अगर बोला गया रिपीटेशन अलाउड तो 66 भी हमारा एक नंबर होगा, ठीक है? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं बोला तो 66 नहीं करना है, ठीक है? बोला रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो 56, ये करेक्ट होगा लेकिन ये इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर बोले कि हमें ये बताओ कि इन तीनों डिजिट से बना हुआ 2 डिजिट नंबर का संख्या कितना होगा, तो चूंकि 66 भी एक 2 डिजिट नंबर ही है तो 66 भी काउंट होगा, यानी बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि रिपीटेशन अलाउड का केस है। क्लियर, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में ये लिखना नहीं था। ओके, तो हमें क्या चाहिए, 4000 से 5000 के बीच तो 4 डिजिट नंबर है, 4000 से 5000 के बीच चाहिए, तो यहां पे जो 1000 प्लेस पे क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि द मोमेंट यहां पे 5 हो गया तो तीनों, ठीक है, कुछ भी हो जाए ये तो हो जाएगा 5000 या 5000 से बड़ा नंबर, लेकिन हमें 4000 और 5000 के बीच में रखना है नंबर को, तो जो 1000 प्लेस होगा वहां पे तो 4 ही रहेगा। अब एक कंडीशन और दिया गया है कि हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल ऑफ 5, यानी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 5 से डिविजिबल है यानी एंड में यूनिट प्लेस पे या तो 5 होगा या तो 0 होगा, लेकिन यहां पे देखिए 0 हमें यूज नहीं करना है, हमें 4 5 6 7 8 यूज करना है, तो यहां पे तो बस 5 ही रख सकना है, ठीक है? करेक्ट। अब ये 2 प्लेस बचता है, हमारे पास ऑप्शन है, इस प्लेस को आप 5 में से कोई भी एक से फिल कर दो, उसके बाद अब फिर 5 में से कोई एक से फिल करना है, ठीक है? 4 नहीं, अगर मानो आपने 4 6 ले लिया, अगर फिर से आप 6 ले रहे हो तो देखो ये 4000 से 5000 के बीच आ रहा है और 5 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा ओके, ठीक है? ओके वेरीफाइड वाला ही केस है, तो 5 इनटू यहां पे भी हमारे पास 5 केसेस, तो टोटल 25 नंबर। क्लियर है?
फाइव इंटू फोर क्यों नहीं करा हमने और फाइव इंटू फाइव क्यों करा, ये रीजन समझ में आया, ठीक है? क्योंकि हमें क्या बोला गया था कि नंबर बस 4000 से 5000 के बीच होना चाहिए और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हो गया। ओके, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में यही होगा, क्वेश्चन बड़े बड़े, ठीक है, और सॉल्यूशन काफी छोटा है, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल देखते हो कितना में बिकता है, फिर आगे 0, 5, 10, 12 एक छक्के मारता है, आउट हो जाता है। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन इज अ ग्लेन मैक्सवेल ऑफ आईपीएल, ठीक है। क्वेश्चन बड़े होंगे और सॉल्यूशन काफी छोटे। अब आईटीजी वाला थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन है, आईटीजी वाला करो, मिटा दो इसे। ओके, अब स्क्रीन पॉज करो पहले और उसके बाद इत्मीनान से सॉल्व करो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो, आईडीजे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे थे वो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, ठीक है, ए टू जे होगा, करेक्ट। अब फिर वो जो ए टू जे है उससे हमें बनाना क्या है, वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फॉर्म, जो गिवन लेटर्स है उससे 5 लेटर्ड वर्ड हमें फॉर्म करना है। ओके, हमें 5 लेटर्ड वर्ड फॉर्म करने हैं, ठीक है ना। ए टू जे कोई भी 10 लेटर है, ठीक है, हमें दिया हुआ है, गिवन है 10 लेटर, उससे 5 लेटर्ड वर्ड फॉर्म करने हैं। तो हमें बोला गया देन द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड, ठीक है। तो अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल अप्रोच से सॉल्व करना चाहें, ठीक है, आपके 4 जन्म निकल जाएंगे, नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो हम करेंगे टोटल वर्ड्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, ये इक्वल होगा 0 रिपीटेशन प्लस एटलीस्ट 1 रिपीटेशन। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सपोज आपने ए टू जे का नंबर लिया और आपने बोला कि मैं रिपीटेशन अलाउ कर रहा हूं, आप रिपीट कर सकते हो, तो इसमें ऐसे केसेस भी आएंगे जब एक्चुअली, ठीक है, आपने रिपीटेशन अलाउ करा, लेकिन उसमें से ऐसे केसेस भी आ जाएंगे जिसमें कि एक्चुअली रिपीटेशन नहीं हो रहा, ठीक है। आपने बोला आप मनो रिपीट करो, मनो नहीं करो, तो उसमें ऐसे केसेस भी आ रहे होंगे जहां पे 0 रिपीटेशन, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा होगा, प्लस या तो रिपीट हो रहा होगा। ओके, तो हमें ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकल जाएगा अपने आप। तो टोटल वर्ड्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के उस टाइम पे 10 तरीके, रिपीटेशन अलाउड है तो 10 तरीके, 10 तरीके, 10 तरीके, ठीक है। ये 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये हम कैसे निकालें, पहले प्लेस को आपने 10 तरीके से फिल करा, अब जो लेटर आपने यूज करा, जो अल्फाबेट आपने सपोज ए यूज कर लिया, दोबारा आप नहीं यूज कर सकते, तो दूसरे बार इस प्लेस के लिए 9 ही हमारे पास अल्फाबेट बचे, अगले के लिए 8, उसके अगले के लिए 7, फिर उसके अगले के लिए 6, ठीक है। तो ये हो गया 10 × 9 × 8 × 7 × 6 प्लस ये जो रिक्वायर्ड हमारा आंसर है, करेक्ट। तो ये जो हमारे पास आ जा रहा है ये कितना आएगा, 6 × 6 × 6 216 × 140 कितना आ जाएगा, आ जाएगा वो, तो ये एक्चुअली मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30240, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 69760, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो। ओके, नोट करो, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ लगा क्या, और भी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं और 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में डाल देता हूं आपको, ठीक है, नोट करो। ओके, ये 3 क्वेश्चन, इसके बाद होमवर्क हो सकता है।
सकते हैं, चार पांच क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दे दूंगा, ओके उसको सॉल्व कर लेना। ये लास्ट के तीन क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आ सकते हैं, जितने तरह के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर फॉर्म करना है फ्रॉम द डिजिट 0, 3, 4, 6, 7, 8। अवेलेबिलिटी है 0, 3, 4, 6, 7 और 8, ठीक है, इवन नंबर रखना है। तो लास्ट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, या तो जीरो आप फिल करो, या तो आप फोर फिल करो, या तो सिक्स या तो एट, ठीक है। और चूंकि थ्री डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो ये हंड्रेड प्लेस पे या क्या फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता है। द मोमेंट यहां पे जीरो आ गया, तो ये तो टू डिजिट नंबर बन जाएगा, यहां पे जीरो नहीं आ सकता, और यहां पे क्या आ सकता है, बस 0, 4, 6, 8, ठीक है, क्योंकि आपको इवन नंबर रखना है और रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, करेक्ट। तो अब यहां से देखते हैं यहां पे कितने नंबर्स अलाउड है, तो 3, 4, 6, 7, 8 में कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो पांच तरीके से हम फर्स्ट प्लेस को फिल करेंगे, उसके बाद तो इनटू मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करा हमने, इनटू अब ये सेकंड प्लेस, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन भी अलाउड है, तो हम 6 में से कोई भी एक फिल कर सकते हैं। तो 6 तरीके से हम सेकंड प्लेस को फिल कर रहे हैं। अब थर्ड प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हमारे पास, 4, ओके, तो आंसर आ गया 120, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का, ओके, नोट करो, आसान क्वेश्चन था। अब पांचवा है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन एंड जनरलाइज इट फॉर एन। ऑक्टागन मतलब वो 8 के लिए आ जाना चाहिए, हम एन के लिए पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसमें एन के जगह पे 8 पुट कर देंगे, ठीक है, कि ऑक्टागन के लिए एक बार करके दिखा दूं, ठीक है। ऑक्टागन, ऑक्टागन कैसा होगा, 8 साइड का पॉलीगन, ओके, ये हुआ 8 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। तो अगर आप सपोज ये वर्टाइसेज है A, तो इसको अगर आप B से ज्वाइन करते हो, तो ये क्या, ये तो साइड ही बन रहा है, लेकिन अगर आप किसी और से, ठीक है, ये B C D E F G H I H, ठीक है, A B C D E F G H, तो मोमेंट A C से ज्वाइन होता है, या D से, या E से, F से, G से, जब B से ज्वाइन होगा और H से, अगर हम इन दो पॉइंट को देखते हैं, A पॉइंट और H पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो ये साइड दे देगा, या फिर A को B से कंसीडर करते हैं, तो ये हमें क्या देगा, फिर से साइड। लेकिन C D E F यानी 1, 2, 3, 4, 5 जी तक, ये हमें 5 डायगोनल आ गए A के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसी तरह से B के करेस्पॉन्डिंग भी 5 डायगोनल, तो हमारे पास टोटल 8 वर्टाइसेज हैं, तो हर एक के करेस्पॉन्डिंग 5-5 डायगोनल, यानी टोटल 40 डायगोनल आएगा। लेकिन देखिए यहां पे हमने कुछ गड़बड़ करा है, जब हम A की करेस्पॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे, तो हम AC को कंसीडर कर रहे थे डायगोनल, फिर जब C की करेस्पॉन्डिंग देख रहे थे, तो हम CA को भी कंसीडर कर लिए हैं डायगोनल, तो यानी हर डायगोनल रिपीट हो गया है, हमने हर डायगोनल को 2 बार कंसीडर कर लिया, तो इसलिए हम बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 20, ठीक है, थोड़ा सा एन के लिए जनरलाइज कर देता हूं, तो ये पुराना क्वेश्चन मिटा देता हूं, ठीक है, पुराना ये मिटा देते हैं। ये एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है, अब देखो किसी भी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग, ऐसे एन पॉइंट हो, तो एक पॉइंट की करेस्पॉन्डिंग देख लो, टोटल एन साइडेड पॉलीगन है, तो एन पॉइंट्स होंगे, तो इसको सपोज ये ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट से नहीं ज्वाइन करना है, इस पॉइंट तो ये तो खुद ही है, और ये इन तीन पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट से अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, डायगोनल, तो टोटल एक पॉइंट की करेस्पॉन्डिंग हमें एन माइनस थ्री डायगोनल मिलेगा। तो ऐसे एन पॉइंट है, तो इंटू एन बाई टू करेंगे, क्योंकि हर डायगोनल को हमने 2 बार कंसिडर कर लिया है,
बाई टू एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके, ये हमने क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस कर लिया है, कोई भी ट्रबल इसमें तो बताओ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये क्वाड्रेटिक से इन्वॉल्व करता है तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आज के इसको आप हॉट्स क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ठीक है, मिटाता हूं इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप स्क्रीन पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर लेना, कुछ देर तो मैं खुद वेट कर रहा हूं, लेकिन आप स्क्रीन पॉज करके खुद से सॉल्व करना। बोला गया है कि पी क्यू बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, यानी पी और क्यू इनमें से कुछ हो सकता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, ठीक है, सच दैट इट इज हैविंग रियल रूट्स। तो रियल रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर रियल रूट्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका? क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी। ठीक है, या फिर हम कहें क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पी। अब हम पी के वैल्यूज कंसीडर करेंगे एक बार वन, ठीक है, फॉर पी इक्वल्स टू वन। ठीक है, एक बार पी को वन मानेंगे, फिर p इक्वल्स टू टू मानेंगे, फिर p इक्वल्स टू थ्री मानेंगे और फिर p इक्वल्स टू फोर मानेंगे। हम ये कंसिडर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके करेस्पॉन्डिंग q का कौन कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे जितने पॉसिबल सॉल्यूशन आएंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ इक्वेशन हो सकते हैं p और q के टर्म्स में, जितने हमारे पास सेट्स बनेंगे। तो p जब 1 के इक्वल है तो हमें चाहिए q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पे क्यू टू हो सकता है। ठीक है, क्यू इक्वल्स टू टू थ्री और फोर। अब आते हैं फॉर पी इक्वल्स टू टू, तो क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एट। तो अब क्यू क्या हो सकता है? थ्री हो सकता है, ठीक है, फोर हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा है क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन ट्वेल्व तो अब थ्री तो नहीं हो सकता है क्यू, क्यू इक्वल्स टू फोर। ठीक है, अब आता है जब p इक्वल्स टू फोर होगा तो q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 चाहिए हमें। ठीक है, यानी एक बार फिर से q क्या होना चाहिए? फोर। तो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन कितने आ गए देख लो, सात सॉल्यूशन आया कि p इक्वल्स टू वन q इक्वल्स टू टू, p इक्वल्स टू वन q इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, मैं सारे सॉल्यूशन लिख देता हूं, टोटल सात सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो ऐसे टोटल सात इक्वेशन हो सकते हैं जिनका कि रियल रूट्स होगा। ठीक है, इन टोटल देयर आर सेवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वेयर द रूट्स आर रियल इफ वी आर फॉर्मिंग p एंड q फ्रॉम दिस सेट 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमने काफी सारे इलस्ट्रेशंस डिस्कस कर लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा हमने। तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना या फिर फर्स्ट कमेंट में चेक कर लेना। ओके, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ढंग से सॉल्व कर लेना। ओके, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ठीक है, तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव गुड डे।